जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। और इसमें आपको मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में राम की शक्ति पूजा को ले आया हूं। राम की शक्ति पूजा में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिए गए थे। अब इसमें जो है न्यू जो है आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, उसको आप देखें। और कापी और किताब, कापी और पेंसिल लेकर बैठें, अपने साथ कलम लेकर बैठें, जिससे आप इसको डिक्टेट भी करें, नोट करेंगे, जो आपके लिए एक नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो राम की शक्ति पूजा में एक प्रश्न हम लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। निराला की मानसिक काव्यक्ता की सिद्ध राम की शक्ति पूजा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भूमिका देखिए, भूमिका क्या है। कवि और कविता में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, कवि और कविता में हमेशा द्वंद्वात्मक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? द्वंद्वात्मक संबंध होता है। प्रत्येक कवि चाहता है कि अपनी अनुभूतियों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति का ऐसा ढांचा तैयार कर ले जिसे इलियट की भाषा में वस्तुनिष्ठ समीकरण या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा जाता है। इसको जो है ये कहा जाता है किसकी भाषा में? एलियट की भाषा में कहा जाता है। किंतु सच यह है कि कवि जो कहना चाहता है और वह जो कह पाता है उसमें अत्यंत अंतराल बना रहता है। आज्ञेय के शब्दों में कहें तो हर कवि शब्द और अर्थ के माध्यम में खड़ी दीवार को विस्फोटक लगाकर उड़ा देना चाहता है, किंतु वह दीवार तो तोड़ नहीं पाता। भाव यह है कि कवि के मन में कविता का जो रूप होता है वह कागज पर उतरने वाली कविता से अलग होता है। इसलिए पाठक चाहे कितनी भी प्रशंसा करे, कवि इस पीड़ा से नहीं उबर पाता कि जो उसे कहना था वह नहीं कह सका। कभी कभी किसी कविता में ऐसा होता है कि कवि अपने मानसिक प्रतिमानों के अत्यंत नजदीक पहुंच जाता है और लगता है कि कवि स्वयं को पूर्णता में व्यक्त कर सकता है। राम की शक्ति पूजा इसी अर्थ में निराला की मानसिक काव्य यात्रा सिद्ध मानी जाती है। वास्तव में निराला की मानसिकता इसमें पूरी तरह से उकेरने में निराला ने सफलता प्राप्त की है। इसका प्रमुख आधार क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि निराला एक साथ रोमांटिक और क्लासिकल धाराओं पर खरी उतरने वाली कविता है। राम की शक्ति पूजा एक साथ रोमांटिक और क्लासिक धाराओं पर खरी उतरने वाली, मतलब पूरी कसौटी पर उतरती है, क्लासिकल और रोमांटिक दोनों तरह से। आकार की दृष्टि से लंबी कविता, किंतु भीतर से महाकाव्यात्मक। आपको बता दें, आकार की दृष्टि से यह जो है महाकाव्य जैसी है, महाकाव्य भीतर से महाकाव्य है और दर्शन में लंबी कविता है। कविता की आंतरिक संरचना में नाटकीयता की अद्भुत उपस्थिति देखी जाती है। आपको बता दें, राम की शक्ति पूजा में आंतरिक संरचना में नाटकीयता कि अद्भुत उपस्थिति देखी गई है, क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य नहीं है, लेकिन वह मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मनुष्य न हो, मनुष्य की तरह व्यवहार करे, इस बात को आप कहां तक सत्य मानेंगे? जबकि राम खुद जानते थे कि लक्ष्मण नहीं मरेगा, रावण निश्चित रूप से मरेगा, सीता खोई नहीं है, वो प्राप्त हो जाएंगी। फिर भी राम पत्नी का वियोग करते हैं,
लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जो है चिंता व्यक्त करते हैं, राम से रावण से युद्ध में हारने का संदेह व्यक्त करते हैं। यह निश्चित रूप से जो है नाटकीयता की ही उपस्थिति दर्शा रहा है। राम का उदात्त चरित्र किसी भी कविता के नायक पर भारी पड़ता है, और राम का जो चरित्र है उदात्त चरित्र है, धीरोदात्त चरित्र है, धैर्यशाली चरित्र है, लेकिन अंत में धैर्य खो देते हैं, यह इनका उदात्त चरित्र के रूप में माना जाता है। ऐसी भाषा जिसमें जटिल से जटिल और सरल से सरल प्रयोग एक साथ उपस्थित हैं, छंद का ढांचा बनाए रखते हुए भी छंद की यात्रा से सफल विद्रोह इसमें हुआ है। यह कविता निराला की है, और निराला के इस आंसर में इतना ही लिखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि निराला की मानसिक काव्यता की सिद्धि है राम की शक्ति पूजा, इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो आपको इतना ही उत्तर इसमें लिखना है। नौवां है आपका, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा एक साथ स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद के प्रतिमानों पर खरी उतरती है, विचार करें। भूमिका देखें, स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद पश्चिमी साहित्य के दो आंदोलन हैं। ये पश्चिमी साहित्य के पाश्चात्य दर्शन के दो आंदोलन माने गए हैं। कौन कौन? स्वच्छंदतावाद और दूसरा है शास्त्रवाद। विलियम बर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे सिद्धांतकार जहां साहित्य रचना हेतु स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को उचित मानते हैं, वहीं अरस्तु और इलियट जैसे सिद्धांतकार शास्त्रवादी दृष्टि को स्वच्छंदतावादी रचना प्रक्रिया में भावनाओं की तीव्रता, प्रेम जैसे विषयों की केंद्रिकता और भाषाई सहजता को केंद्रीय महत्व मिलता है, तो शास्त्रवादी रचना प्रक्रिया में भावनाओं के संयमन, अनुशासन, तटस्थीकरण तथा निर्वैयक्तिकता जैसे तत्वों को केंद्र में रखा जाता है। सामान्यतः कोई भी रचना या तो स्वच्छंदवादी नजरिए पर आधारित होती है या शास्त्रवादी दृष्टिकोण पर, किंतु राम की शक्ति पूजा की अगर बात करें तो राम की शक्ति पूजा में जो है स्वच्छंदता, शास्त्रीयता और स्वच्छंदता दोनों देखने को मिलती, की अनूठी विशेषता में एक भी है कि यह एक साथ दोनों विरोधी दृष्टियों को साधने में सक्षम हुई है। स्वच्छंदतावाद क्या है? निराला छायावादी कवि है और छायावादी रचना दृश्य स्वच्छंदतावादी प्रतिमानों पर आधारित है, इसलिए स्वाभाविक है कि राम की शक्ति पूजा पर स्वच्छंदतावाद का ज्यादा प्रभाव है। व्यक्तित्व या निजता का संप्रेषण निराला का आत्मसंघर्ष है। प्रेम को महत्व दिया गया है, सीता की स्मृति वाला प्रसंग जो है यह प्रेम को महत्व दिया गया है। भगवान श्री राम जो है सीता की याद में तर्पण कर रहे हैं, जब आकाश में बिजली चमक रही है और उस समय राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं, जिस प्रकार से आकाश में दामिनी दो बादलों के बीच में अपने आप को विवश पा रही है, उसी तरह से सीता भी होगी। इस तरह का व्यक्तित्व यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव, प्रकृति के प्रति इनमें गहरा लगाव है और यही कारण है कि इसमें मानवीय कल्पना दिखाई देती है और प्रकृति कल्पना भी दिखाई देती है। व्यक्ति की
भावनात्मक सहजता पर बल दिया गया है। राम का मानवीय रूप न कि ईश्वरीय रूप है। राम का यहां पर मानवीय रूप दिखाई देता है। राम जो है मानव के रूप में यहां विद्यमान है, न कि वह ईश्वरीय रूप में यहां पर विद्यमान है, क्योंकि राम दुखी है, वन जा रहा है, वन को भी जा रहे हैं, ये सब चित्र पत्नी के वियोग में रो भी रहे हैं, प्रेम के प्रति आस्थावान है, गुरु के प्रति आदर भाव है, समस्त ज्ञान होते हुए भी ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, यह समस्त गुण जो है निश्चित रूप से यहां पर विद्यमान है। यह नाटकीयता वाले प्रश्नों में देखे जा सकते हैं, यह नाटकीयता देखी जा रही है इसमें। छंद में स्तर पर रूढ़ियों से विद्रोह निराला जो है, निराला इसमें शामिल है, ठीक है। निराला का जो सिर्फ विधान है, जब इसको आप देखेंगे तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। जब मैं आपको बता दूं शिल्प विधान पढ़ाएंगे, उसका नोट्स देखेंगे, तब जाकर आपको ये चीजें मिलेंगी। छंद में स्तर में रूढ़ियों का विद्रोह किया गया है। शास्त्रवाद की बात करें, अभिजात्यवाद की विशेषता की बात करें, तो राम के व्यक्तित्व में भावनाओं की तीव्रता से ज्यादा महत्व अनुशासन और आत्मसंयम का है, जो उन्हें उदात्त बनाता है। राम द्वारा अपनी तीव्रतम भावनाओं का दमन करते हुए संयमित अभिव्यक्ति करना उन्हें इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के नजदीक पहुंचा देता है। महाकाव्यात्मक और औदात्त वाले व्यक्तित्व के प्रश्नों में इसके चित्र, इसके आप इसको इंगित कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा की भाषा तत्सम तथा समास प्रधान शब्दावली से निर्मित है। यह भाषा इतनी सदी हुई है कि इसे सिर्फ भावनाओं का उद्गार कहना ठीक नहीं होगा। बिना शिल्पगत सजगता से ऐसी भाषा लिखना और शिल्प के प्रति ऐसी सजगता शास्त्रादवाद का लक्षण है। निष्कर्षतः मूलतः स्वच्छंदतावाद के नजदीक, किंतु शास्त्रार्थवाद के कुछ लक्षण भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष। बात करते हैं राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष क्या है। महाकवि निराला आधुनिक काव्य परंपरा की अमर उपलब्धि माने जाते हैं, इन्हें महाप्राण कहा जाता है। इनका रचनात्मक लेखन लगभग 1914 ईस्वी से लेकर मृत्यु पर्यंत 1961-62 ईस्वी तक दीर्घ अवधि में फैला हुआ है। इस अवधि में छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत 1936 ईस्वी में लिखी गई राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। इसे रचनात्मक व्यक्तित्व को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है। यह कविता संपूर्ण हिंदी काव्य साहित्य की अमर उपलब्धि मानी गई है। इसमें निराला के ने अंतर वस्तु काव्य भाषा एवं शिल्प विधान के स्तर पर कई मौलिक सर्जनात्मक प्रयोग भी किए हैं। अंतर वस्तु के धरातल पर यह कविता जहां एक ओर भारतीय उत्तर भारतीय राम कथा में राम की शक्ति पूजा जैसे नए तत्व का सन्निवेश करती है, वहीं समकालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक व्याख्या करते हुए कवि के आत्मसंघर्ष की व्यंजना भी करती है। और इसमें भी आगे बढ़कर बृहद संदर्भों में न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और नीति अनीति की व्याख्या करने वाली रचनात्मक उपलब्धि भी बन जाती है। इसमें निराला के आत्मसंघर्ष के अर्थ को अत्यंत सूक्ष्मता एवं कुशलता के साथ
पिरोया हुआ अनुभूत होता किया जा सकता है। इसलिए इस कविता के आलोचकों ने इसमें निराला के आत्मसंघर्ष के अर्थ को ध्वनित होता हुआ सुना है। इतना अवश्य है कि कविता के परंपरागत अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थों की तरह कवि के आत्मसंघर्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष या शब्दगत न होकर व्यंजनागत ही है। यही कारण है कि निराला के जीवन संघर्ष उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को दृष्टिगत करते हुए कविता में आने वाले घटनाक्रमों एवं प्रतीकों को बैठाना पड़ता है और कविता का बार बार पाठ करना पड़ता है। राम की शक्ति पूजा में आने वाला कवि के आत्मसंघर्ष का अर्थ इस कविता की महानता का निश्चय ही एक अत्यंत प्रमुख आधार है। इस अर्थ की मूल कुंजी कविता की इन पंक्तियों पर आधारित है, जहां राम महादुर्गा द्वारा परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूजा के नीलकमल को छिपाकर उठा लेती हैं, तब कहते हैं, क्या कहते हैं राम, धिक धिक जीवन को जो पता ही न आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कविता इन पंक्तियों तक आकर निराला के जीवन कविता की इन पंक्तियों तक आकर निराला के जीवन संघर्ष के अर्थ में अचानक रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि निराला का भी व्यक्तित्व इस तरह का हो जाता है और इस व्यक्तित्व को साधने के लिए पूरी की पूरी राम के जीवन की हताशा निराशा टूटन स्वयं कवि के जीवन की हताशा निराशा एवं टूटन परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि निराला भी अपने पुत्री के वियोग में टूट चुके थे। स्वयं निराला पुरुषोत्तम राम के रूप में परिलक्षित होने लगते हैं। यहां पर निराला के जीवन में आने वाला विरोध अपमान खिन्नता उदासी संशय आत्मसंघर्ष आत्मसाधना और रचनात्मक विजय की घोषणा का अर्थ आज से अंत तक ध्वनित होता हुआ सुना जा सकता है। निराला के साहसिक सामाजिक विरोधी ही रावण के रूप में दिखाई देता है, जो अपनी छद्म रचनात्मकता के सामयिक महोल्लास से कवि की रचनात्मक प्रतिभा जन संवेदनाशीलता और काव्य ऊर्जा को ढक लेना चाहता है। इसलिए कविता के आरंभ में राम का युद्धरत तथा रक्त रंजित रूप अपनी विराट कल्पना में कवि का अपने साहित्यिक सामाजिक विरोधियों से संघर्षरत रूप माना जा सकता है। इस दृश्य से कविता की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। अनिमेश राम विश्व जिदिव्य सर्वभंग भाव विद्वांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर श्राव अथवा रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण श्रथ धन गुण है कठिन कटिबद्ध त्रस्त तुल धरण दृष्टि जटा मुकुट को विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वच पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। कविता के इस अंश में संघर्षरत राम बिंब अपने प्रतीकार्थों में कवि संघर्ष का बिंब बन जाता है। राम के शरीर से बहता हुआ गाढ़ा रक्त मानो कवि के भीतर से बहता हुआ रचनात्मक अजस्त्र स्रोत है। राम की भव्य मूर्ति स्वयं कवि का बलिष्ठ और भव्य शरीर है। निर्दिष्ट देखते हुए राम के रूप में मानो स्वयं कवि सुनी दीवारों गलियों और को ताकता है।
इस तरह पर्वत कवि की प्रतिमा और उसकी दृढ़ता, उसकी कवि मन की दृढ़ता का संकेत बन जाता है। निराला के रचनात्मक जीवन को देखते हुए देखने से ज्ञात होता है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वैसा ही युद्ध लड़ते हैं जैसा कि राम रावण के विरुद्ध लड़ते हैं। सरोज स्मृति कविता में आने वाली ये पंक्तियां युद्ध सटीक बिंब देती हैं। एक साथ जब सत सत घात घूण जाते थे मुझ पर तुले तुल, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर संक्षेप वह रण कौशल, वक्तव्य हो चुका चमत्कुरत, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। इसी तरह निराला अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है कविता में भी अपने संपूर्ण जीवन का अवलोकन एक युद्ध यात्रा के रूप में करते हैं, जिसमें वे निर्णयात्मक विजय प्राप्त करते हैं। उनका कथन है कि मल्ल मल्ल की मारे मूर्छित हुई, निशाने चूक गए हैं। मल्ल मल्ल की मारे मूर्छित हुई, निराशे चूक गए, निशाने चूक गए हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के अगले अंशों में हम देखते हैं कि राम का पक्ष कमजोर रहता है, जबकि वे धर्म, न्याय, सत्य और मर्यादा के पक्षधर होते हैं। इसके विपरीत अधर्म, अन्याय, अनीति और अत्याचार के पक्ष में रहते हुए भी रावण का पक्ष मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपनी सामान्य आराधना के द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है। यह स्थिति राम को हताशा, निराशा तथा निर्णय अनिर्णय के द्वंद की ओर ले जाती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि राम आज निर्णय लेने, अत्याचार और अन्य चीजों को देख करके अपने आप को मतलब एक बहुत ही दुखी महसूस करने लगते हैं। उनको यह नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की हो जाती है। क्योंकि राम जानते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। राम को यह पता चल रहा है जहां अन्याय है वहीं शक्ति है, क्योंकि रावण जीत रहा है, राम पराजित हो रहा है तथा रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ। पर परिणामतः राम के मन की हताशा, निराशा, संशय, भावुकता के आवेग तक पहुंच जाती है, जहां विवशता के कारण उनकी आंखों से आंसू भी टपक जाते हैं। राम के इस हताशा, निराशा और संशयगत मन स्थिति को कविता की इन पंक्तियों में लक्षित किया जा सकता है। स्थित राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह कर उठता जग जीवन में रावण के जयमय है। अमानिशा उगलता गगन है, अमानिशा उगलता गगन घन में अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। निराला के संदर्भ में हम देखते हैं कि उनके सामाजिक, साहित्यिक और आर्थिक जीवन में कई बार विरोधों, अपमानों के कारण उनकी रचनात्मक ऊर्जा, कल्पनात्मक प्रतिभा तथा जन संवेदनशीलता के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता था और वे गहन हताशा, निराशा और आत्म जर्जरता की स्थिति का अनुभव करते थे। समाज और साहित्य को नियंत्रित करने की शक्ति थी। परिणामतः निराला कई बार अवसाद, खिन्नता तथा उदासी के लक्षणों से गुजरते थे। अन्य कविताओं में आने वाली पंक्तियां
इसका स्पष्ट साक्ष्य देती हैं। गहन है ये अंधकार, स्वार्थ के अवगुठनों से हुआ है लुंठन हमारा, आत्मा स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया। स्नेह निर्झर बह गया, रेत त्यों तन रह गया। इस तरह की पंक्तियां जो है निराला के काव्य में देखने को मिलती हैं। कवि की यह मनस्थितियां, कवि की यही मनस्थितियां कई बार उनके जीवन में दुख, निराशा और वेदना की अतिशयता की ओर जाते थे। इस दृश्य से ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूं आज जो नहीं कही। आत्मा दुखता रहता है अब जीवन, पतझर का सावन वन उपवन मन। आपको बता दे सरोज स्मृति की पंक्ति है, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति की पंक्ति है ये, किसकी है? सरोज स्मृति की पंक्ति है, सरोज स्मृति की पंक्ति है। आपको बता दें इसमें निराला को अपनी बेटी की मृत्यु के बाद जितना दुख हुआ, शायद किसी को इतना दुख नहीं हुआ होगा। यही कारण है कि निराला जो है हिंदी साहित्य के सबसे बड़े विरह काव्य सरोज स्मृति की रचना कर सके। इन्हीं अनुभूतियों के अंतरालों में कई बार निराला आत्मधिक्कार का भी भाव व्यक्त करते हैं। जिस तरह राम अपने संपूर्ण जीवन के प्रति आत्मधिक्कार का भाव व्यक्त करते हैं, उसी तरह निराला भी इन पंक्तियों में आत्मधिक्कार का भाव व्यक्त करते हैं। व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया, अथवा व्यर्थ प्रार्थना अब है जैसे पिंजर पिंजर करें। इस तरह के भाव व्यक्त करते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में हम देखते हैं कि हताशा निराशा और संशयग्रस्त राम को जामवंत की ओर से मौलिक शक्ति की कल्पना और पूजन का उपदेश दिया जाता है, और राम का कठिन आत्मबल की सीमाओं तक जाकर महा दुर्गा को अपने वश में करते हैं और रावण पर निर्णात्मक विजय प्राप्त करते हैं। महाकवि निराला के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि गहन हताशा निराशा और आत्म जर्जरता की मन स्थितियों का साक्षात्कार निराला करते हैं। सन 1935 में ईस्वी में तो कवि अपनी एकमात्र युवा पुत्री की असामयिक निधन से उत्पन्न घनीभूत वेदना की अभिव्यक्ति करते हुए काव्य तर्पण कर देते हैं और आगे से कविता न लिखने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि निराला शोक पीड़ा और वेदना की घनीभूत मनस्थितियों से उबरते हैं। राम की तरह ही निराला की यह साधना उनके दूसरे अर्थात विवेकवान मन के द्वारा की जाती है। राम के पास एक अत्यंत विनयी और सहज विश्वासी मन है जो महादुर्गा के द्वारा नील कमल उठा ले जाने के कारण अत्यंत हताश निराश हो जाता है, तो दूसरी तरफ उनके पास एक स्वाभिमानी विवेकवान और कहीं कहीं दुर्विनीत मन भी है जो माया के आवरण को भेद करके बुद्धि के सहारे वास्तविकता जान लेता है और मन अपनी आंखें समर्पित करने का संकल्प करके महादुर्गा को प्रसन्न कर लेता है। निश्चय ही राम के द्वारा महादुर्गा का की उपासना अपने प्रतीकार्थों में निराला के द्वारा अपनी रचनात्मकता, काव्य ऊर्जा और संवेदनशीलता के प्रति गहन आत्मचिंतन, मनन और साधना के द्वारा पुनः आत्मविश्वास की प्राप्ति है। निश्चय ही निराला इस आत्मचिंतन और मनन के माध्यम से अपनी रचनात्मक क्षमता, काव्य ऊर्जा के प्रति पुनः अखंड आस्था करते हैं, और यह प्राप्ति उनके दूसरे विवेकवान और स्वाभिमान मन
के द्वारा की जाती है, तभी वह 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा, 1938 ईस्वी में तुलसीदास और 1940-42 ईस्वी में कुकुरमुत्ता जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन करने में समर्थ होते हैं। और यहां निश्चय ही स्वयं निराला के द्वारा कही गई है, मैं ही बसंत का अग्रदूत हूं। निराला कहते हैं, मैं ही बसंत का अग्रदूत हूं, आत्मा और भी फलित होगी वह छवि जैसी पंक्तियां अपनी सार्थकता प्रमाणित करती हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में निराला के आत्मसंघर्ष और आत्म साक्षात्कार से संबंधित अर्थ भी इस विश्लेषण से प्रमाणित होता है, जिसमें निराला ने जिस तरह अपने समय के राजनीतिक प्रश्न की गहनता, वैचारिकता व्याख्या, वैचारिक व्याख्या करते हैं, इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमाणिक दस्तावेज बना दिया है। और दूसरे इससे भी आगे बढ़ते हुए सत्य असत्य, न्याय अन्याय, मर्यादा अमर्यादा, धर्म अधर्म के द्वंद्व की शाश्वत समस्या का भी विश्लेषण करने वाली महान काव्यकृत बना दिया है। उसी तरह संपूर्ण कविता में उनके आत्मसंघर्ष की ध्वनि को सूक्ष्मता के साथ सुना जा सकता है। इतना अवश्य है कि कवि के आत्मसंघर्ष या आत्म साक्षात्कार का अर्थ किसी भी रूप में शब्दगत न होकर व्यंजनागत ही है, जो इस कविता की एक बड़ी शक्ति है। निश्चय ही कालजयी रचनाएं अर्थ के विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति करती हैं, करती हुई आने वाले युग में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं। इस रूप में अगर बात करें प्रासंगिकता के रूप में, तो इस रूप में राम की शक्ति पूजा अर्थ के अन्य स्तरों के साथ ही निराला के आत्मसंघर्ष या आत्म साक्षात्कार के अर्थ को अत्यंत सूक्ष्म, सघन और रचनात्मक अभिव्यक्ति करती हैं। निश्चित रूप से निराला हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए वह कम है। निश्चित रूप से निराला की जो स्थिति है वह एक अलग कवि के रूप में है, इसीलिए निराला के काव्य राम की शक्ति पूजा की महानता निश्चित रूप से सबसे अलग है। तो दोस्तों, आप हमारे अगले आंसर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।